वो लहराती जुल्फे, नागिन सी चाल, चांदी जैसा रंग और सोने जैसे बाल। श, आप लोगों ने कुछ सुना तो नहीं? और अगर सुन भी लिया तो आप लोग प्लीज किसी को बताइएगा मत। बॉलीवुड ने हमें सिखाया है कि अगर कोई लड़की इस क्राइटेरिया में फिट हो जाए तो वो परफेक्ट लड़की मानी जाती है। और एक मैं थी, आई हैव ऑलवेज बीन दैट गर्ल जो अपने उस गर्ल ग्रुप के क्राइटेरिया में कभी फिट नहीं हुई। जहाँ लड़कियों के स्कूल के 6 दिन 6 अलग हेयर स्टाइल बनते थे, तो वहीं सेंटर पार्टिंग के साथ बिखरे बाल मेरा कंफर्ट जोन था। बस इसी कंफर्ट जोन और लोगों की गॉसिप्स का टॉपिक बनते हुए लाइफ एकदम बढ़िया चल रही थी कि तब तक सोशल साइंस एग्जीबिशन आ गया, जिसके डांस कंपटीशन के लिए ना जाने क्यों मेरी क्लास की लड़कियां साल भर एक्साइटेड रहती थी और मैं अनएक्साइटेड। पर इस बार तो मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि नेहा को प्रूव करना है कि उसकी जो गर्ल टाइप थिंग्स हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। मैम, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन डांस कॉम्पिटिशन दिस ईयर। डांस कॉम्पिटिशन तुझे पता है ना, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। स्कूल की इकलौती लड़की जिसे मेरी इतनी फिक्र थी कि वो पिछले 5 सालों से मुझे रियलाइज कराती आई थी कि मैं उनकी तरह तो कभी नहीं बन सकती। मैं कुछ बोल पाती इससे पहले मैम ने कहा, जाओ सिमरन, लाइन में खड़ी हो जाओ, ऑडिशन चल ही रहे। ऑडिशन? अब दिल की धड़कनें तेज थी, रिसेस का टाइम था, बच्चों की भीड़ हमें घेरे खड़ी थी, और एक मैं जिसने अपनी लाइफ में डांस के नाम पर सिर्फ 2 स्टेप सीखे थे, और आज उन्हीं 2 डांस स्टेप्स के साथ मुझे अपना ऑडिशन देना था। यार नहीं हो पाएगा, बैकआउट कर लेती हूँ। नहीं, बैकआउट नहीं कर सकती, फिर साल भर नेहा के ताने। मैं आगे बढ़ी और उन्हीं 2 डांस स्टेप के साथ अपना ऑडिशन दिया। मेरी परफॉर्मेंस के बाद पूरे स्कूल में सिर्फ एक गूंज थी। हाँ, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ गए हैं कि वो गूंज हंसी की थी। और गलत भी क्या किया उन लोगों ने, भला कोई हक था मुझ जैसी लड़की को ऑडिशन देने का, जिसे ना तो आज तक लिपस्टिक के शेड्स पता थे और ना ही आज तक परफेक्टली कोई हेयर स्टाइल बना पाई थी। और शायद अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी यही करते। अब बस अपने आंसुओं को समेटे क्लास की ओर बढ़ी ही थी कि तब तक मेरी नज़र एक्टिविटी रूम में एक लड़की पर जा पड़ी। कुछ बोल रही थी वो, जिसकी बोल्डनेस और फियरलेसनेस की कोई हद नहीं थी। मानो उसे वहाँ खड़े बोलता देख मैं जानती जा रही थी कि आखिर मैं ज़िंदगी से चाहती क्या हूँ। मैं आगे बढ़ी तो पता लगा कि डिबेट कंपटीशन की प्रिपरेशन चल रही थी। पर डिबेट कंपटीशन? नहीं, मम्मी ने क्या सिखाया है, कम बोला करो, धीरे बोला करो। कितना ज़्यादा बोलती हो तुम, पापा ने बोल दिया ना तो अपना ओपिनियन तुम अपने तक ही रखो। कि तब तक मन से एक आवाज़ आई कि यार ट्राई करने में क्या जाता है। तो उस दिन घर गई, बैग पटका और उस विषय पर अपने विचारों को बस लिखती चली गई, लिखती चली गई, लिखती चली गई। उसकी एक एक लाइन मानो मुझे एहसास करा रही थी कि सिमरन की असली पहचान क्या है। अगले दिन स्कूल गई और स्कूल में अपनी डिबेट परफॉर्म करी। आज भी स्कूल में एक गूंज उठी थी, बस वो गूंज आज हंसी से तालियों में बदल गई थी। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा फेज ज़रूर आता है जहां हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम इस सोसाइटी के बनाए गए क्राइटेरिया में खुद को फिट करें। फिर चाहे वो 30 से पहले हम लड़कियों की शादी हो या शादी के बाद लड़कों का घर ना संभालना। पर इस पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो ये है कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि इस दुनिया को खुश करने के चक्कर में खुद की खुशियों को भूल जाना इज़ नॉट वर्थ इट। एंड यू गाइज डू नॉट नीड अ परफेक्ट बॉडी विद अ परफेक्ट स्माइल टू मेक योर सेल्फ लुक ब्यूटिफुल, बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर।